हेलो दोस्तों, मैं सुजाता स्टडी भी सुजाता उपाध्याय चैनल से। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ये। टेट में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं, तो आप लोग वीडियो देखिएगा ज़रूर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग भी गेस करिएगा कौन सा सही है, फिर मैं बताऊंगी आंसर, तो मिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आदमी कैसा शब्द है? आपको बताना है आदमी कैसा शब्द है। तो ये आपके रहे चार ऑप्शन, ए तद्भव, बी देशज, या सी विदेशी, या डी तस्तम। तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर है, आदमी जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, अगर आपको हिंदी व्याकरण से ट्रिकी वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए। वहाँ हिंदी व्याकरण से मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, समास संधि जितने हैं, तत्सम तद्भव सारे बना के रखी हूँ। तो आप वहाँ जाके देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ और वहाँ सारे वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से तस्तम शब्द है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि तस्तम शब्द कौन सा है। पहला है आपका ए चांद, बी चंद्रमा, सी चंदा, या डी चंद। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। जो तस्तम शब्द है ये संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं, तो आपको जो संस्कृत टाइप के शब्द दिखें तो भी आप पहचान सकते हो कि वो तस्तम शब्द है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, कपूर शब्द है। आपको बताना है कि कपूर कौन शब्द है, क्या है कपूर, बताएं। तस्तम है कि तद्भव है कि देशज या विदेशज। ये जो क्वेश्चन है ये टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये दो बार टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग देखिए ज़रूर, समझिए ज़रूर वीडियो को। तो इसमें बताएं कौन सा शब्द है कपूर। तो इसमें जो कपूर है ये आपका तद्भव शब्द है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, अनुकरण शब्द है। अनुकरण क्या शब्द है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए तस्तम, ऑप्शन बी तद्भव, या ऑप्शन सी देशज, या ऑप्शन डी विदेशज। तो बताएं चारों में से कौन सा सही है। तो अनुकरण शब्द जो है ये आपका तस्तम शब्द है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पे, योगदान कैसा शब्द है। आपको बताना है योगदान कैसा शब्द है। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, या ऑप्शन सी योग रूढ़, या ऑप्शन डी संकर। बताएं इसमें से कौन सा राइट है। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः, पावरोटी कैसा शब्द है। आपको बताना है पावरोटी कैसा शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तस्तम, ऑप्शन सी तद्भव, या ऑप्शन डी संकर। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी संकर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए छः। अब हम लोग सातवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं बोलूँगी आप लोग वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन सात है, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है ए द्रव्यवाच्य संज्ञा, बी जातिवाच्य संज्ञा, या सी व्यक्तिवाच्य संज्ञा, या डी समूहवाचक संज्ञा। तो बताएं दोस्तों कौन सा राइट है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषता नहीं है। आपको बताना है गुणवाचक विशेषण नहीं है, सॉरी। तो बता, ये भी क्वेश्चन आपका टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी नुकीला, ऑप्शन सी अधिक, या ऑप्शन डी भीतरी। बताएं कौन सा राइट है, बताएं दोस्तों कौन सा राइट है। इसमें राइट है ऑप्शन सी अधिक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी दो, या ऑप्शन डी पाँच। बताएं इसमें दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, तीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दस, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को जो स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी प्रणातक क्रिया,
या ऑप्शन सी नाम बोधक क्रिया या ऑप्शन डी नाम धातु। बताएं इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या है बताएं। हो या खा या रहे या तुम, कौन सा चारों में से। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, संधि के कितने भेद हैं बताएं। संधि के मुख्य कितने भेद हैं, तो ऑप्शन ए 2 या ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। बताएं इसमें से राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो गया, तो 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं इसमें आपको डिटेल में समझा नहीं रही हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर मैंने जितने आपको यहाँ क्वेश्चन लाई हूँ लिंग और संधि योग रू रूढ़ शब्द तस्तम तद्भव जितने भी हैं सब ट्रिकी वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आप लोग वहाँ देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब आके आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग तुरंत तुरंत बताओगे कौन सा आंसर राइट है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी जर्मन। बताएं चारों में से कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। ए ऑप्शन चना, बी है अरहर, सी है बाजरा या डी उड़द। तो बताएं इसमें से राइट आंसर क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरहर। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है ये, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है आपको बताना है। ए आंसू, बी दर्शन, सी प्राण या डी ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है, ये आपका है ये सभी। दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, मैंने सारे पढ़ा दिए। अगर आपको इस क्वेश्चन के डिटेल देखने हैं, लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये सब एक वचन बहुवचन जितने भी है हिंदी व्याकरण का, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें।